पेट्रोल डीजल सीएनजी लेना भूल जाओगे तो इसके कंपैरिजन में है ना आपको काफी सारी हैचबैक और एसयूवी मिल जाएगी। जैसे कि जब से शोरूम पे आए हो ना एक ही चीज नोटिस कर रहा हूँ, इसकी डिलीवरी और बुकिंग। दिवाली नहीं आई उससे पहले आप एक काम जरूर करवा देना, टाटा ने एक चीज बहुत बुरी की है इसके अंदर जो कि यार है ना। तो अब मैं चलता हूँ इसकी इंटीरियर के अंदर की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अपन। और भाई क्या ही लुक से यार, बेसेंट वेरिएंट तो लग भी नहीं रहा। वॉच से कनेक्ट होने के बाद तो भाई इसके अंदर टेस्ला वाले फीचर्स के साथ काफी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। टियागो लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको लेनी चाहिए या नहीं? A few moments later. तो भाई मैं हूँ चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हमारे सामने रहने वाली अपनी 2024 की ओनली जनरेशन की टाटा टियागो ईवी, जो कि इस सेगमेंट की मोस्ट वैल्यू फॉर मनी हैचबैक है, उसके साथ ही सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी। तो आज की वीडियो में हम इसके इंजन, फीचर्स, प्राइस, कलर, माइलेज, सेफ्टी, वेरिएंट एंड इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस रहने वाली है, ए टू जेड कंप्लीट रिव्यू करेंगे। और अगर आप 2024-25 में इस हैचबैक की लेने की सोच रहे हो या फिर आपने प्लान बना ही दिया है तो इस वीडियो में आप जरूर बने रहना, आपके सारे ए टू जेड डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही लॉकडाउन रिव्यू करने वाला हूँ। तो मैं अगर इसके अंदर वेरिएंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको MR, XE, XT, LR, XT+, ACFC, Taglux और काफी सारे वेरिएंट मिल जाते हैं, मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। और ये है सबसे टॉप सेलिंग और सबसे वैल्यू फॉर मनी अपना है XT LR, जो कि यही सबसे ज्यादा बिकता है। वो भी अपना मिड वेरिएंट, बेसेंट वेरिएंट की तरह ही रहने वाला है, पर सारे टॉप एंड वेरिएंट वाले फीचर्स मिल जाते हैं। उसके साथ ही अभी न्यू अपडेट भी आ चुके हैं इसके अंदर, और अभी क्या फेस्टिवल दिवाली का क्या न्यू डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं उसके ऊपर भी अपन आगे बात करेंगे, ओके? क्योंकि अभी सिस्टम ही हैंग हो चुका है। तो अगर मैं इसे फ्रंट से देखूं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिस होते हेडलाइट, जो कि अपने दोनों तरफ हेलोजन में रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको की मिल जाएगी जो कि अपने बूट ओपन लॉक अनलॉक का मिल जाएगा, वो भी फ्लिप की के साथ रहने वाली। देखो पूरे टॉप एंड वेरिएंट वाली फीलिंग मिल जाती है, सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। नॉर्मल की भी मिलेगी, उसका भी क्या काम है बताता हूँ। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा नीचे की तरफ, यहाँ पे आपको फॉग लैंप नहीं मिलेंगे बट लगवा जरूर सकते हो। यहाँ पे पॉइंट टीवी का बेज और उसके साथ ही काफी अच्छी फिनिशिंग मिल जाती है। और है ना इसका लुक से लिटिल सा मुझे ऐसा लग रहा है एल्ट्रोस जैसा हो, सेम टू सेम ऐसे ही थोड़ी दिख ऐसी रही है। अब मैं चलता हूँ इसके साइड प्रोफाइल में, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्टील व्हील जो कि अपने व्हील कैप के साथ रहने वाले है, जो कि अपने R14 inch के रहने वाले है। काफी सही है भाई, वो ज्यादा भी बड़े नहीं है बट ठीक है। यहाँ पे आपको पॉइंट टीवी का बेज मिल जाएगा, उसके साथ ही यहाँ पे आपको पियानो फिनिशिंग के साथ टर्न इंडिकेटर के साथ ORBM मिल जाएंगे। उसके साथ ही इधर आपको डोर हैंडल है ना क्रोम में नहीं मिलेंगे, नॉर्मली बॉडी कलर में मिल जाएंगे। और ऊपर की तरफ देखोगे तो वहाँ पे आपको एंटीना जरूर मिल जाएगा। और भाई मैं जब से शोरूम पे आया हूँ ना एक ही चीज नोटिस कर रहा हूँ, इसकी डिलीवरी और बुकिंग भाई पूछो मत, अनगिनत, यही सबसे ज्यादा बिकती है। और अब मैं बैक लुक में देखूँ तो यहाँ पे आपको है ना कोई स्पॉइलर नहीं मिल रहा है बट ये थोड़ा स्पोर्टी देने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको बैकलाइट मिल जाएगी, डिफोकर वाइपर नहीं है, नॉर्मली है। और यहाँ पे आपको न्यू टाटा का टियागो ईवी मिल जाएगा, लोगो सब मिल जाएंगे। इधर आपको है ना इसी फ्लिप की रहेगी और ऐसे करके मैं आपको दोनों पार्किंग सेंसर तो है ही है। अब मैं इसका है ना बूट ओपन भी करूंगा, उससे पहले ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको है ना 170mm का मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा है स्विफ्ट के मुकाबले भी। अब बताओ, अब मैं इसका बूट ओपन करता हूँ। देखो टाटा ने एक चीज बहुत बुरी की है इसके अंदर जो कि यार है ना कीलेस दे दिया है यार, ये सिस्टम अच्छा नहीं है भाई। यहाँ पे आपको है ना ये चार्जर पॉइंट मिल जाएगा, उसके साथ ही फास्ट चार्जिंग सारा बॉक्स में यहाँ पे आपको कवर के साथ ऑफर कर दिया जाएगा, जो कि इसका रेंज है ना उसका भी भाई सिस्टम अलग ही है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दोनों तरफ हाइड्रोलिक जरूर मिल जाएंगे। तो यार ये थोड़ा सही नहीं किया भाई टाटा ने यार, थोड़ा देखना था यार, इसलिए भाई नाराज हो। ऐसे लग रहा है कोई ओल्ड मॉडल हो यार, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक देख देते हो अच्छा लगता। अब मैं चलता हूँ इसके इंटीरियर के रियर की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट है अंदर की तरफ देख देता हूँ। और मैं इसे करता हूँ ओपन और इस टाइप से ये अपना हो गया डोर ओपन। और यहाँ पे आपको ट्विटर भी मिल जाते हैं देखो पीछे की तरफ। और उससे पहले मैं आपको स्पेस और कंफर्ट बता देता हूँ। तो अब मैं इसके अंदर बैठ चुका हूँ और स्पेस तो मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे आपको है ना स्पेस मिल जाएगा, आपको कुछ भी रख सकते हो और लेदर फिनिशिंग के साथ मिल जाते हैं ये। और हेडरेस्ट कोई भी एडजस्टमेंट के साथ नहीं मिलेंगे, नॉर्मली मिलेंगे। और ये अपना पूरा रहने वाला है, मुझे कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पावर विंडो मिल जाएंगे, ये स्पीकर्स रहने वाला है, बोतल होल्डर सब मिल जाएगा। बाकी भाई पीछे की तरफ ठीक है और मेन तो आगे की तरफ न्यू अपडेट है जो कि बेसेंट वेरिएंट है भाई। यार मुझे लग भी नहीं रहा है, मैं जल्दी आगे चलता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसके अंदर है, ठीक है ना? तो अब मैं चलता हूँ इसकी इंटीरियर के अंदर की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अपन देख लेते हैं। और अब मैं इसे सीटें एडजस्ट कर देता हूँ मेरे हिसाब से और स्पेस कंफर्ट तो मुझे काफी सही लग रहा है। और भाई क्या ही लुक से यार, बेसेंट वेरिएंट तो लग भी नहीं रहा है और क्या ही चाहिए। देखो भाई
कौन कह सकता है ये बेस वेरियंट है। तो यार यहाँ पे आपको पूरा ही हाईलाइट के साथ मिल जाता है स्टोमेन क्लस्टर, और स्टोमेन क्लस्टर की बात करो तो यहाँ पे आपको MID मिल जाएगी, जिसके अंदर देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे पूरी हाईलाइट के साथ है। इधर देखोगे तो यहाँ पे आपको इंजन लाइट, किलोमीटर, डोर खुला हुआ है उस हिसाब से वार्निंग दे देगा, न्यूट्रल है तो उस हिसाब से सारे इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, सारा ऑप्शन मिल जाता है। स्पीडोमीटर, यहाँ से आप इग्निशन हर रूल को चेंज भी कर सकते हो आपके हिसाब से, सेक्शन यहाँ पे कितनी रेंज है उस हिसाब से आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे देता है। पूरा ही हाईलाइट के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे आप हॉर्न भी रहने वाला है, यहाँ से वॉल्यूम कम डाउन म्यूट सब कुछ कर सकते हो। इधर कुछ भी क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा और पूरा इलेक्ट्रॉनिक और काफी सही है। इधर आपको पियानो फिनिशिंग मिल जाती है और यहाँ पे आपको है ना पूरा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, स्टीरियो मिल जाता है, जो कि भाई वॉच से कनेक्ट होने के बाद तो भाई इसके अंदर टेस्ला वाले फीचर्स के साथ भाई पावर भी आ जाती है। अब बताओ भाई यार कितने फीचर्स है यार, अनगिनत इसके अंदर फीचर्स है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मतलब यार वॉच से भी कनेक्ट कर सकते हो, ये अपनी ऐप से सारे कनेक्टिविटी मिल जाती है। देखो स्टीरियो में, स्टीरियो देखो बेस एंड वेरिएंट से ही दे रहे तो आप टॉप मॉडल का क्या हाल होगा आप खुद भी जानते हो यार। तो उस हिसाब से आपको सारा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन सारा मिल जाता है। इधर आपको है ना ये मोड मिल जाएंगे, बैटरी कितनी है उस हिसाब से। यहाँ पे आपको है ना ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ AC मिल जाएगी, क्योंकि AC भी काफी सही है भाई, हवा अच्छी दे रही है। यहाँ पे आपको है ना मिल जाएगा USB ऑक्स, और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट ऑफर कर दिया जाता है। इधर आपको ये अपनी रहने वाली है ऑटोमेटिक, जो कि EV तो है ही है। इधर स्पेस है, यहाँ पे न्यूट्रल ड्राइव सब है, यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे कप होल्डर मिल जाएंगे दो, और इधर नॉर्मली है, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है। बट यहाँ पे आपको ना क्लब बॉक्स थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मिल जाता है, कुछ भी रख सकते हो आपके हिसाब से सामान। दोनों तरफ ट्विटर के ऑप्शन भी रहने वाले। यहाँ पे ऊपर की तरफ टिकट होल्डर मिल जाता है। इधर आप देखोगे तो मिरर कुछ नहीं मिल रहा है, एयरबैग्स के वॉर्निंग देखने के लिए मिल जाता है, और ये अपना नॉर्मली रहेगा। हाँ, एडजस्ट कर सकते हो आप, डे नाइट रियर व्यू मिरर है। और इधर ट्विटर तो है ही है, यहाँ पे आप देखोगे तो RBM कंट्रोल, उसके साथ ही ये अपना है ना ऑटो टच के साथ पावर विंडो मिल जाता है। इधर आपको स्पेस मिल जाएगा, बोतल होल्डर, और 4 स्पीकर्स रहने वाले है, और इधर आपकी नॉर्मली ऑटोमेटिक रहने वाली है, जो कि EV है ना। और यार क्या ही लुक्स है यार, मैं क्या ही बताऊँ। ये फिनिशिंग देखो ना यार, हाईलाइट की हुई है भाई, मतलब कि यूं लग रहा है टॉप एंड वेरिएंट में बैठा हूं मैं। और काफी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली भाई। बेस मॉडल को कोई बोल मत देना नेगेटिव यार, गजब है। अब मैं चलता हूं इसके इंटीरियर के बाहर, और अब हम बात कर देते हैं बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आप टिया को लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर मैं इसके अंदर बैटरी पावर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 73.75 BHP की पावर मिल जाएगी, और टॉर्क की बात करूँ तो यहाँ पे आपको है ना 114 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाएगा। और भाई टाइमिंग की बात करूँ तो 7 से 8 घंटे लगते हैं, और फास्ट चार्जिंग में भाई अपने 1 घंटे में ही हो जाएगी, लगभग 1 घंटे में हो जाती है, ठीक है ना। और अब मैं बात कर देता हूँ सेफ्टी की, तो भाई आप जानते ही हो अपना टाटा तो है ही है बादशाह सेफ्टी में, तो वो भी अल्ट्रा प्रो मैक्स है। अब मैं सेफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एयरबैग्स, डे नाइट रियर व्यू मिरर, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, और भी काफी सारे अपने 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑफर कर दी जाती है। और अगर मैं इसके अंदर कलर ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 6 डिफरेंट कलर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब मेन बात यह आ जाती है कि रेंज कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे है ना रेंज इतनी है कि आप पेट्रोल, डीजल, CNG लेना भूल जाओगे, सच बता रहा हूँ भाई। यहाँ पे आपको है ना एक बार फुल चार्ज कर दो ये अपनी 315 किलोमीटर चल जाती है भाई, कितनी ज्यादा है अब बताओ भाई, और क्या ही चाहिए। और अगर मैं इसके अंदर प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक शोरूम 9,99,000 की पड़ेगी, और ऑन रोड जाते जाते अपनी उदयपुर में 10 लाख अपनी 40,000 की हो जाएगी। और दिवाली नहीं आई उससे पहले आप एक काम जरूर करवा देना, जो कि इसकी डिलीवरी भाई, आपको अच्छे खासा डिस्काउंट मिल जाएंगे अभी दिवाली ऑफर पे, आपको और भी कम प्राइस में मिल जाएगी, तो इसलिए आप ये आराम से ले सकते हो, बेस्ट फैमिली कार हो सकती है, ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं आपके और मेरे एक्सपीरियंस की, तो अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको ये लेनी चाहिए या नहीं। देखो इसके कंपेरिजन में है ना आपको काफ़ी सारी हैचबैक और SUV मिल जाएगी, जैसे कि स्विफ्ट, अल्टो, i10, i20, सेलेरियो, पंच, एल्ट्रोस, बेलेनो, फ्रांस, डिजायर, वेगनार, XUV काफ़ी सारी है, पर इसका क्रेज अलग ही लेवल का है। जिसको टिया को चाहिए वो टिया को ही लेगा, भले कुछ भी हो जाए, किसी के भी ऊपर नहीं जाएगा। देखो एक तो बात यार ये थोड़ी छोटी है, तो उस हिसाब से गलियों में भी आराम से चली आ जा सकती है, और सिटी में चलानी हो उसे भीड़ भाड़ इलाके पे तो भी चलाते हैं लोग, और लॉन्ग ट्रिप करनी हो तो उस हिसाब से भी सही है, और पार्किंग लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। एक 5 फैमिली के लिए है ना ये काफी सही है, तो इसीलिए लोग इसे ही लेते हैं। बाकी आपको कोई भी इसके रिलेटेड कोई डाउट लगता हो तो मुझे आप कमेंट कर ही सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको लगता है
कि ना 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 मुझे तो हैचबैक लेनी नहीं है, क्योंकि यार इतनी छोटी सी आती है क्या मतलब 10 लाख रुपए भी वेस्ट करे। उनको चाहिए भाई 20 लाख जैसी एसयूवी जो कि 10 लाख रुपए में मिल जाए। तो उनके लिए भी वीडियो है मेरे चैनल पे, एकदम बेस्ट एसयूवी जो कि लग्जरी भी है और पावरफुल भी है, सब कुछ मिल जाता है। मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ उस एसयूवी की वीडियो, वो आप मेरे चैनल पे जाके भी विजिट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतने था, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो लव यू ऑल।